18 अप्रैल 2008 वो तारीखी दिन जिस दिन इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स खेला गया था, और इस मैच के अंदर जो बैटिंग ब्रेंडन मैकेलम ने की थी, उस बैटिंग को देखकर कोई उस वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कि इट विल चेंज द डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। लेकिन आज जब आईपीएल का सीजन 17 खेला जा रहा है, तो इस आईपीएल ने दुनिया क्रिकेट की जो तर्ज है उसको जहां तब्दील करके रखा है, वहीं वो आईपीएल जिसके पहले सीजन में 11 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खेला था, और पहले मैच की अगर खास तौर पर बात की जाए तो इस मैच के अंदर भी जो इनॉग्रल मैच था, जो पहला मैच था आईपीएल की हिस्ट्री का, उसके अंदर भी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की सूरत में मौजूद था। लेकिन अब 17 सीजन को देखा जाए तो इसमें एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हमें खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और खेलना तो दूर की बात है, बल्कि जब आईपीएल सीजन 17 शुरू होने से पहले एक पाकिस्तानी क्रिकेट शायक ने एक ट्वीट की एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसने बाबर आजम को आरसीबी की जर्सी जेबतन किए हुए दिखाया जहां वो विराट कोहली के साथ खड़े हैं। देन जनाब उसी ट्वीट के अंदर पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो जसप्रीत बुमराह के साथ मुंबई इंडियंस की जर्सी जेबतन किए हुए नजर आए, और तीसरे खिलाड़ी थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की जो जर्सी है वो जेबतन की हुई थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या ड्रीम ऑफ मिलियंस पाकिस्तानी एंड इंडियन क्रिकेट फैंस। तो इसके रिप्लाई पर हरभजन सिंह, जो खुद पाकिस्तान के लीजेंडरी ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक को अपना गुरु मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, कि मेरी जो बॉलिंग है उसमें निखार जनाब सकलैन मुश्ताक की वजह से आया था, उन्होंने रिप्लाई किया, और रिप्लाई करते हुए कहा कि भाई जन ख्वाब देखना बंद कर दें, ये किसी भी इंडियन का जनाब ख्वाब नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो आईपीएल में आकर खेलें। तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जो सर्द जंग है उसका आगाज हुआ था। फिर पाकिस्तान की जानिब से बाज ऐसे जनाब क्रिकेट पंडित हैं जिन्होंने आईपीएल को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और मैंने भी अपनी वीडियोस के अंदर आईपीएल को लेकर जो नेगेटिव चीजें थी वो पॉइंट आउट की थी कि जनाब भारतीय मीडिया ये चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में चीजें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन वो कुछ जो खबरें थी वो भारतीय जो क्रिकेट फैंस है उनको पसंद नहीं आई। लेकिन अब जब आईपीएल सीजन 17 अपने अरूज के ऊपर है, तो इस दौरान भारत का ही एक न्यूज़पेपर है टाइम्स नाउ, और वेबसाइट भी है इनकी, और क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इन्होंने एक जनाब खबर शेयर की, और इस खबर के अंदर इन्होंने वो ट्वीट जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने की थी, जिसमें उसने सिर्फ 3 क्रिकेटर्स के बारे में लिखा था कि अ ड्रीम ऑफ मिलियंस और अ ड्रीम ऑफ मैनी इंडियन एंड पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस टू सी दीज पीपल इन आईपीएल जर्सी। तो अब जो टाइम्स नाउ की खबर है उसमें 3 की बजाय 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में यह कहा गया है कि ये आईपीएल खेल सकते हैं। सो वो क्रिकेटर्स कौन से हैं, उनके हवाले से क्या बातें की गई हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त आईपीएल चीफ हैं, चेयरमैन कह लें इजी वर्ड्स में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के दौरान भी उनसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आईपीएल का जो फ्यूचर है उसके बारे में सवाल किया गया। उन्होंने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब जो है वो दिया है, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब चूंकि आज अगेन 18 अप्रैल है, लेकिन साल 2024 है, और आज से एग्जैक्टली 16 साल पहले जो पहला आईपीएल का मैच है वो खेला गया था, तो इस मैच को अगर डिस्कस किया जाए तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उन्होंने 222 रन स्कोर किए थे, 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, और इस मैच में जो ओपनिंग करने के लिए आए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो थे भारत के या दुनिया क्रिकेट के दादा सौरव गंगोली, और उनका साथ दिया था न्यूजीलैंड के हार्ड हिटर ओपनर ब्रेंडन मैकेलम ने, और सौरव गंगोली तो सिर्फ 10 रन स्कोर कर पाए थे 12 गेंदों के ऊपर, लेकिन जो आग लगाई थी, जो तबाही मचाई थी, वो ब्रेंडन मैकेलम ने मचाई थी, और 73 गेंदे खेलकर 158 रन उन्होंने स्कोर किए थे,
और आउट नहीं हुए थे। इसके बाद रिकी पोंटिंग, वो भी केकेआर के लिए खेल रहे थे, उन्होंने 20 गेंदे खेलकर 20 रन स्कोर किए थे। डेविड हसी, इन्होंने 12 गेंदे खेलकर 12 रन स्कोर किए थे, जबकि पाकिस्तान के जो मोहम्मद हफीज हैं, इन्होंने 3 गेंदे खेलनी थी और इन 3 बॉल्स पर इन्होंने एक बाउंड्री लगाई थी और 5 टोटल रन जो है वो इन्होंने स्कोर किए थे। जबकि जो खिलाड़ी बैटिंग नहीं कर पाए थे उसमें लक्ष्मी शुक्ला थे, वृद्धमन साहा, अजीत अगरकर, अशोक डिंडा, मुरली कार्तिक और ईशांत शर्मा। इसके बाद जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप थी उसमें प्रवीण कुमार ने 4 ओवर किए, 38 रन दिए, विकेटलेस रहे। जाहिर खान 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट जनाब इन्होंने हासिल की थी और वो भी सौरव गांगुली की। देन एशले नोफेक, इन्होंने 4 ओवर फेंके, 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। जेक कैलस, जिन्होंने बाद में केकेआर को जनाब आईपीएल चैंपियन बनाया, वो चुके फर्स्ट सीजन में आरसीबी की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो 4 ओवर उन्होंने किए, 48 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में आई थी। जबकि सुनील जोशी ने 3 ओवर किए, 26 रन दिए, विकेटलेस रहे। और कैमरन वाइट, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, उन्होंने 1 ओवर किया था और 24 रन उस ओवर के अंदर उनको लगे थे। इसके बाद आरसीबी के कैप्टन राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर, जो एक बड़ा नाम है ट्रोल करने के हवाले से, वसीम जाफर वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा नाम है इंडिया के, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो कोचिंग के साथ साथ ये माइकल वान के साथ ट्विटर के ऊपर हमें फड्डे करते हुए नजर आते हैं। सो वसीम जाफर ने 16 गेंदे खेली और सिर्फ 6 रन स्कोर किए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 3 गेंदे खेली, 2 रन स्कोर किए। इसके बाद विराट कोहली द लिविंग लेजेंड, 5 गेंदे खेलकर 1 रन स्कोर किया। जेक एलिस ने 7 गेंदे खेली, 8 रन स्कोर किया। कैमरन वाइट ने 10 गेंदे खेली, 6 रन स्कोर किए। मार्क बुचर, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक विकेटकीपर बैट्समैन, 9 गेंदे खेली, 7 रन बनाए और जो पहला अंडा जनाब आईपीएल की हिस्ट्री में स्कोर किया था वो बालचंद्रा अखिल ने किया था, जिन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 0 रन जनाब स्कोर किए थे। इसके बाद एशले नोफेक 10 गेंदे खेलकर 9 रन स्कोर किए। प्रवीण कुमार 15 गेंदे खेलकर 18 रन बनाए। जहीर खान ने 8 गेंदे खेलकर 3 रन जो हैं वो स्कोर किए, जबकि सुनील जोशी ने 6 गेंदे खेलकर 3 रन स्कोर किए थे और 223 रन चेज करते हुए आरसीबी सिर्फ 82 रन बना पाई थी और 140 रन से ये मुकाबला जनाब जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उन्होंने जीत लिया था। और ये स्टैट्स आपको बताए सिर्फ इसलिए हैं कि आपको पता चले कि वो आईपीएल जिसके शुरू होने में पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया था, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आईपीएल जाकर खेले थे और पाकिस्तान की जानिब से पहला क्रिकेटर कौन सा आईपीएल के अंदर खरीदा गया था ये मैं आपके साथ एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन इस मैच के अंदर चूंकि मोहम्मद हफीज खेले थे तो अब जनाब 17 सालों बाद पाकिस्तान का एक भी जो बड़ा खिलाड़ी है वो हमें आईपीएल खेलते हुए नजर नहीं आता। और ऑब्वियस रीजंस हैं, पॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इसी पॉलिटिकल टेंशन की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलैटरल क्रिकेट है वो भी देखने को नहीं मिलती। बड़े इवेंट्स के अंदर जो आईसीसी के इवेंट्स हैं या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि आज एक और स्टेटमेंट रोहित शर्मा की जानिब से आई है, वो भी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करता हूं। लेकिन अब भी जनाब देखा जाए तो हरभजन सिंह ने आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था कि ख्वाब देखना छोड़ दें, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने ख्वाब देखना छोड़ दिया। लेकिन भारतीय मीडिया जो है उन्होंने ख्वाब देखने नहीं छोड़े और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो टाइम्स नाउ है उनके मुताबिक जनाब बाबर आजम पाकिस्तान का जो लेजेंड है यह आईपीएल के अंदर खरीदा जा सकता है। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी इन्होंने हाईलाइट किया वो जनाब शाहीन शाह अफरीदी था, तीसरा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, चौथा खिलाड़ी शादाब खान। और शादाब खान के बारे में लिखा गया कि चूंकि आईपीएल के अंदर जो ऑलराउंडर्स हैं और स्पेशली फॉरेन ऑलराउंडर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा मांग है, सो शादाब खान जो हैं वो महंगे तरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में आ सकते हैं। इसके बाद एक नाम ऐसा है जिसको भारत के अंदर कुछ लोग बड़ा नापसंद करते हैं या इसके ऊपर टेपिए होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जो पेस हारिस रऊफ की है इसकी वजह से दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित इनको बहुत ज्यादा हाई रैंक करते हैं, प्लस जो T20 क्रिकेट की हद तक इनकी परफॉर्मेंस है वो भी जनाब कमाल की है। सो हारिस रऊफ के बारे में भी ये कहा गया है कि इनको भी आईपीएल टीम्स जो हैं वो पिक कर सकती है, जबकि मुझे लगता है कि इन 5 खिलाड़ियों के अलावा इमाद वसीम ये भी कमाल के ऑलराउंडर हैं, ये भी आईपीएल में पिक हो सकते हैं। मोहम्मद आमिर के ऊपर तो किसी किस्म का जो डाउट है वो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मोहम्मद आमिर जैसा जो लेफ्ट आर्म सीमर है वो हर टीम चाहे वो इंटरनेशनल टीम हो या जनाब डोमेस्टिक की टीम उसकी मांग है, और मोहम्मद आमिर भी जनाब महंगे दामों आईपीएल में बिक सकते हैं। बल्कि अगर टॉम मूडी
और संजय मंजरेकर की बात की जाए, जो उन्होंने 2023 में जून के अंदर स्टेटमेंट दी थी, तो उस स्टेटमेंट के तनाजुर में शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी जो हैं वो बन सकते हैं। अब आपको बताऊं कि जनाब जो भारत के इस वक्त आईपीएल के चेयरमैन हैं, उनसे रिव स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया और उनसे आईपीएल के बारे में पूछा कि किस तरह से आईपीएल की ग्रोथ हुई, आईपीएल की मार्केट वैल्यू आपके मुताबिक क्या है, आईपीएल को ग्रो करने में ललित मोदी का क्या हाथ है। वहीं पर उनसे सवाल हुआ, इन द फॉरसीबल फ्यूचर एनी चांस दैट वी वुड सी पाकिस्तान क्रिकेटर्स इन द आईपीएल, तो जनाब जो अरुण धमल साहब हैं उन्होंने फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट द टाइज दैट वी हैव, फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास कह लें या ब्रैकेट कह लें उसमें, नाउ वी नो फॉर श्योर दैट वी आर नॉट प्लेइंग एनी बायलैटरल क्रिकेट विद देम, इट इज डिफिकल्ट टू हैव पाकिस्तान प्लेयर्स इन द आईपीएल, रिगार्डिंग द फ्यूचर नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट। अब बिल्कुल जनाब फ्यूचर में आगे चलकर मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, हम आज बैठकर कुछ भी इसके बारे में पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉलिटिकल टेंशन कम होती है, जो कि मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर भारत के अंदर बीजेपी सरकार हुकूमत में रहती है तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टाइज हैं वो बेहतर हों। हालांकि आज पाकिस्तान के एक वजीर हैं गालिबन इसहाक डार साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट कहीं मैं पढ़ रहा था, अब आई एम नॉट 100% श्योर लेकिन मैंने पढ़ी है कि जनाब जो ताजर हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि भारत के साथ तजारत के हवाले से चीज़ें फाइनल की जाएं। तो पहले भी पाकिस्तान भारत के दरमियान तजारत हो रही थी लेकिन क्रिकेट नहीं हो रही थी, सो अब भी अगर भारत में जो इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और उनका जो रिजल्ट इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है वहीं आता है, तो फिर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट फैंस ख्वाब देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आईपीएल देखने का, लेकिन आईपीएल में वो हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि टाइज दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर नहीं होंगे जब तक बीजेपी सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी का जो नारा है वो हमेशा से अखंड भारत का है और अखंड भारत में इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा एक दफा फिर से बनाना चाहता है, सो इस वजह से पॉलिटिकल टेंशन हाई रहेगी, कोई ना कोई जनाब जो बॉर्डर के ऊपर चीजें हैं जो गहमा गहमी है वो देखने को हमें मिल सकती है, सो इस वजह से ये पॉलिटिकल टेंशन चूंकि रहेगी तो इसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल के अंदर खेलते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।